डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लियर करने जा रहे हैं यहाँ पर नाइन्थ क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनहेबिटिंग द सी एंड ओशियन एंड द फिजिकल एंड केमिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनवायरनमेंट इज, जो समुंदर के मुतालिक जो भी स्टडी होती है या जो भी समुद्र के मुतालिक जो जानदार रहते हैं, यहाँ पर स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जानदारों की स्टडी, इनहेबिटिंग जो आबाद हैं सी एंड ओशियंस समुद्र या बहर में, एंड फिजिकल एंड केमिकल, फिजिकल और केमिकल करेक्टरिस्टिक्स खासियतों के साथ ऑफ द एनवायरनमेंट इज, उनके एनवायरनमेंट को क्या कहा जाता है, तो उनके एनवायरनमेंट को कहा जाता है मरीन बायोलॉजी। मरीन आपको आपने पढ़ा होगा, जो नेवी में उनको पता होगा मेरीन क्या है, मेरीन समुद्री, समरीन आपने सुना होगा अटलांटिक में जो डूब गई, देखने गए थे टाइटैनिक को देखने गए थे, समरीन मेरीन मरीन यानी समुद्री बायोलॉजी, उसे मरीन बायोलॉजी कहा जाता है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो नॉलेजेबल और समझ में आ रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इस तरह की जो भी नॉलेजेबल वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।